हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आपका भाई कल्याण स्वागत करता हूँ नैमी टेक्निकल चैनल पर। दोस्तों, आज मैं एक प्रोजेक्ट बनाऊंगा जो कि लाइट को ऑटो कट रखेगा, ऑन ऑफ करेगा, जिसको अपने हमारे लिए बंद चालू करने की उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। वो दिन जैसे ही दिन होगा वो ऑटोमेटिक कर देगा, ऑफ कर देगा, और जैसे ही रात होगी उसको चालू कर देगा। तो चलिए दोस्तों, उस प्रोजेक्ट को हम बनाते हैं, और किस तरीके से बनाना है आप वीडियो में देखिए। और दोस्तों, वीडियो को भी स्किप बिल्कुल भी मत कीजिए। और दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिसने भी नहीं किया है। और चलिए तो चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। हेलो दोस्तों, ये देखिए जो हाथ में दिख रहे हैं, इनसे आज हम बनाने वाले हैं। ये कंपोनेंट से आज हम बनाने वाले हैं ऑटो कट लाइट। और देखिए ये किस तरीके से काम करेगा। ये LDR है, और ये देखिए 100K का ये रेजिस्टेंस है। ये देख पा रहे होंगे ये ट्रांजिस्टर है BC547, और एक ये LED है। तो चलिए हम बनाने वाले हैं इस प्रोजेक्ट को। तो सबसे पहले हम ये ट्रांजिस्टर इस तरीके से मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे। और इसके बाद मैं लगाऊंगा LDR। तो LDR को मैं जल्दी से यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों हम LED लगाएंगे। तो दोस्तों अब ये LED है, इसका जो मैंने इस पर मार्क कर दिया है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है इस साइड का। तो चलिए मैं नेगेटिव का कनेक्शन कर देता हूँ। यहाँ पर मैं नेगेटिव लगाऊंगा। और ये 100K का ये रेजिस्टेंस है, तो उसको भी मैं कनेक्ट कर देता हूँ दोस्तों। देख पा रहे होंगे आप, इस तरीके से मैं इसको फोल्ड कर लेता हूँ। ये LDR पर कनेक्ट कर दिया, और दूसरा दोस्तों इसको LED पर भी कनेक्ट कर देता हूँ। LED पर कनेक्ट कर दिया, अभी देखिए इसके। और ये 3.7 वोल्टेज की बैटरी है, तो आइए मैं इसके भी कनेक्शन कर देता हूँ। ये माइनस का मैंने इस साइड कर दिया, और ये अपना प्लस का मैंने इस रेजिस्टेंस पर कर दिया। अभी देखिए अपने कनेक्शन हो गए हैं फाइनली। तो चलिए अभी इसकी बारी है टेस्ट करने की। दोस्तों मैंने अभी अपना ये गेट लगा दिया रूम का, तो ये थोड़े थोड़े दिख रहा होगा आपको ग्लू करते हुए। तो अभी देखिए मैंने ये फ्लैक्स जलाया इस पर, तो ये ऐसा जल रहा है। अभी देखिए ये फ्लैक्स जला दिया, तो अभी ये नहीं जल रहा है, यानी कि दिन होगा तो नहीं जलेगा। और जैसे ही मैं इसको हटाऊंगा, ये देखिए जलने लगी। और इस पर मैं फ्लैक्स करूंगा, तो ये देखिए उजीला करूंगा, तो ये बंद हो गया अपनी LED। और इस पर से हटाऊंगा, अंधेरा करूंगा, तो ये जल जाएगी। तो दोस्तों इसको हम अपने कहीं पर भी इसको लगा सकते हैं, और एक इसको बॉक्स में भी सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप अपने हिसाब से इसको बॉक्स में फिक्स कर लीजिए, लेकिन LDR को बाहर रखिए थोड़ा, जिससे उस पर उजीला और या अंधेरा पड़ता रहे, तो इससे तभी हमारा ये काम करेगा। तो अब ये जैसे मैं हटा देता हूँ, ये देखिए और चालू बंद हो रहा है। तो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।